सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना एकमात्र विश्वनीय संस्थान। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवार। सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला, तुसी जुड़ चुके हो प्यारेदार भारत न्यूज नाल। जिवें कि करनाल दे अंदर चल रहा है महासंग्राम, जिस तरीके दे नाल करनाल दे विच लाठी चार्ज होया, शहीद जो किसान होया है उसनू इंसाफ दिलाउण लई पूरा संयुक्त मोर्चा बैठा है महासंग्राम ते। कल भी प्रशासन दे नाल किसानां दी मीटिंग रही जो कि बेसिट्टा रही। उस तो बाद दा जो नतीजा है बेनतीजा है। किसानां दा ऐलान है, किसान आगू गुरनाम सिंह चडूनी अते राकेश टकैत दा ऐलान है कि प्रशासन नू झुकना ही पवेगा, जो किसानां दीआं मंगां ने उन्हां नू पूरा करना ही पवेगा, क्योंकि ये अंदोलन सिर्फ एक इंसाफ दे लई चल रहा है। अज तीसरा दिन है महासंग्राम दा, किसान डटे हुए ने, प्रशासन एक तरफा है, पूरे करनाल नू छावनी दी तरह तब्दील किया होया है। इस विषय ते इस महासंग्राम दे विच करनाल तो गुरनाम सिंह चडूनी अते पूनम पांडे इस तरीके दे नाल स्टेज नू संबोधित कर रहे। लंगर बना के बनाया, सवेरे चाय पचाई, बिस्कुट पचाए और पता नहीं क्या क्या पचाए। बहुत सेवा कर रहे हैं, अति आभारी हैं, लेकिन इस पे एक छोटा सा बयान बादल साहब का आया है, सुखबीर बादल साहब का, और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहिब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए। तो वो क्यों बयान दिया, उसके पीछे क्या मनसा थी, परमात्मा जाने। मैंने अभी तक बयान सुना नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने भी मेरे से आते आते कई सवाल कर लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है, क्या आपकी कोई बात हुई थी। वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं, हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को। क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे, और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारे के कोई ठेकेदार थोड़े ही हो गए हैं कि उन्हीं के कहने से लंगर आएगा। सवेरे नाडा साहब से लंगर यहाँ पे आया, वहां के जो हेड है वो मेरे को मिले, उन्होंने कहा जी हम नाडा साहब से लंगर लेके आए हैं। मैंने कहा जी सलूट है आपको, आपके बहुत धन्यवाद दिए, आभारी। आप कहाँ नाडा साहब से लेके करनाल में लंगर पहुंचे, बहुत धन्यवाद। लेकिन बादल साहब का ये कहना हमें बड़ा अटपटा लगा है कि गुरनाम सिंह ने कहा है, मैंने ना कोई उनको फोन किया, ना मेरे कहीं सनगुमान है कि उनको करें, ना मेरी को उनसे जानकारी है, कोई रिश्तेदारी है, कोई मित्रता है मैं उनको फोन करूं। लेकिन वो किस तरह का भ्रम किसानों में फैलाना चाहते हैं, या ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े सेवादार हैं किसानों के, शायद वो ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है, लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, शायद वो इसलिए कहना चाह रहे हैं। तो साथियों, मेरा साफ तौर पर कहना है, मीडिया वाले भाई भी सुन ले, वैसे तो उसका बयान मेरे पास अभी तक आया नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने ना उनसे को बात की है, ना मेरी को उनसे बात हुई है, वो बिल्कुल जो है वो बयान निराधार बयान है। हाँ, गुरुद्वारे वालों के हम अति आभारी हैं, अति आभारी हैं कि वो लंगर की बहुत सेवा करते हैं, बहुत। हाँ, एक अपील, ये धरना 24 घंटे का है, यहाँ पे आप सभी लोग डटे रहेंगे, एक बात। दूसरा बात, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट टिकैत साहब से करूंगा कि जो यूपी के इधर वाले जिले हैं हरियाणा के साथ लगते, उनको आप थोड़ा सा और बेनती कर दें कि वो यहाँ पे अपनी हाजिरी रखें, क्योंकि दूर के, ज्यादा दूर के लोग नहीं आ सकते, लेकिन यूपी हमारा पड़ोसी है बिल्कुल, जो इधर वाले लोग हैं जो यहाँ पे धान भी बेचने आते हैं जो सारे का, वो लोग यहाँ पे हाजिरी और रखें, ताकि यहाँ पे अच्छी हाजिरी बनी रहे। सबका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मंच नहीं होता, हम इस पे ही आते हैं और इसी पे जाते हैं, सबको अच्छे से पता है। और आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, हमारे सुशील भाई जो है, सबसे पहले मैं उनको इतने बड़े मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी, हाथ जोड़कर उनको नमन करूंगी। परमात्मा ऐसी महान आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को हिम्मत दे, और आप सब उनका परिवार बनकर खड़े रहना उनके लिए। ये सभी से, आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि सुशील जी के साथ आप खड़े। सबसे बड़ा मंच शहीद किसान मोर्चा का मंच था, वहां से हमारी आदरणीय श्रीमती मेधा पाटकर जी ने मंच को संबोधित करते हुए क्षमा मांगी। बाकी बात को भूल जाइए, बात है मेरे और आपके जुड़ने की, मेरा और आपका, जमीन से जुड़े हुए किसानों का और जो मेरे युवा साथी हैं उनका रिश्ता। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मुझसे आपको दूर कर दे। कोई भाई, मेरा वादा है आपसे कि मेरे लास्ट तक मैं पहुंच गई हूँ, सब कुछ सहन करके आगे तक पहुंच गई हूँ। मैं विश्वास दिलाती हूँ तुमने सारा ने कि मैं थारा कभी भी साथ नहीं छोड़ने की, इससे बड़ा हरिशमेंट नहीं हो सकता। बाकी प्यार जो आपकी नजरों में देख रही हूँ वो उस हरिशमेंट के आगे कुछ नहीं है। और मैं आने वाले समय में आपके साथ हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहूंगी जिसको मेरी जरूरत होगी, हर उस किसान के साथ खड़ी रहूंगी जिसको मेरी जरूरत होगी। खड़ा रहना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे संगठन है, सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बाबा जी जो रात के 12 बजे तक लंगर चलाते हैं, सुबह 4 बजे से, उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो इस रीढ़ की हड्डी को बरकरार रखे हुए, आंदोलन सभ्यता से चलते हैं। और बिना इनके सहयोग के जो बाबा जी हमारे मेहनत करते हैं, सुबह को 4 बजे उठकर रात को 12 बजे तक लंगर चलाते हैं, उनके सहयोग के बिना भी आंदोलन अधूरा हो जाता है, भंडारों के बिना भी अधूरा हो जाता है, उनका भी दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। लेकिन बात है यहाँ किसानों की और मेरी और हम सबकी, तो क्या कोई भी ताकत मुझे आपसे दूर कर सकती है, हाँ या ना? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हम लोग बिलों की तो बात हमारी चली रही है, सभी को पता 10 महीने हो गए सभी किसान नेताओं को बिलों के बारे में समझाते हुए, हम जैसे युवा को भी समझाते हुए। पूरी बात है, पूरी लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, पूरी बात है खेती को बचाने की, पूरी बात है नस्ल और फसल को बचाने की। तो आप सभी इतना इकट्ठा हुए, कल मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, मैं आ नहीं पाई, मैंने सोचा मुझे आज जाना चाहिए, तो इसलिए मैं आपके बीच में हूँ। और बहुत से लोग तो मुझसे मिलना चाहते थे, हरियाणा पंजाब के सभी लोग मुझसे मिलना चाहते थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। आप सभी का आशीर्वाद था, सहयोग था। बाकी ये किसानों की लड़ाई मुझे लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये किसानों की आवाज को मुझे उठाने से कोई नहीं रोक सकता। सत्य सिर्फ थोड़ा सा परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता, जितना मैंने पढ़ा है। सत्य सिर्फ परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, पराजित कोई कर दे। ऐसी कोई ताकत ही नहीं बनी, ऐसी कोई शक्ति ही नहीं बनी। ध्यान करना, गौर करना एक बात पे, माहौल आंदोलन को खराब करने के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि आंदोलन बदनाम हो जाए, ताकि हम लोग कुछ गलत बोले, आंदोलन खराब हो जाए, ऐसे माहौल इसलिए बनाए जा रहे हैं। 4-5 लड़के एक 25 साल की लड़की से परेशान है, और उस बेटी से जिसके सिर पे आशीर्वाद हो 137 करोड़ की जनता का, मेरे किसानों का, 85% देश के किसानों का, तो उसे कैसे आप पराजित कर दोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ सच जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, सभी संगठन बहुत जोर शोर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, दम लगा रहे हैं, आप लोगों को जोड़ते हैं। मैंने जो अपना समय दिया वो आपको दिया, खेत में जो किसान है उनको दिया, मजदूर है मैंने उनको दिया, जो युवा साथी है बेरोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं उनको दिया। और मेरी आप सभी से विनती है, आपकी लड़ाई आप खुद लड़ोगे, ध्यान रखना, आपकी लड़ाई आप खुद रखो लड़ोगे, एक रह करके, एकत्रित रह करके, बस बटना नहीं है, कुछ छोटी मोटी बात हो जाए। मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, आंदोलन की वजह से मैं शांत हूँ और शांत भी रहना। मैं आप सभी से भी अपील करती हूँ, छोटा मोटा कुछ हो, आंदोलन चल रहा है, हमारी वजह से देश का इतना बड़ा आंदोलन, मेरे हिसाब से वर्ल्ड का होगा इतना बड़ा, क्योंकि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, इतना बड़ा आंदोलन 1947 के बाद से पहला ही आंदोलन है। तो ये आंदोलन में हमारे बुजुर्गों की शहादतें लगी हुई हैं, हमारे युवा साथियों ने डंडे खा करके सिर फुड़वा रखे हैं, हमारे सुशील भाई की शहादत लगी हुई है। तो इस आंदोलन को कुछ बात हो जाए तो आप पी जाना अपने अंदर, सहन कर जाना, क्योंकि किसान हो, खेत में काम करते हो, मजदूरी करते हो, चमड़ी इतनी मोटी होनी चाहिए किसान की जो फालतू की चीजों को सहन करने की ताकत रख सके।
जब मैं एक बेटी होकर के सहन कर सकती हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ दिल से, और हमारी बहुत सारी नारी शक्ति भी आई हुई है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी चाची ताई भी आई हुई है। बाकी जब भी कोई ऐसी आवाज आएगी यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, एमपी से, कहीं भी देश के किसी कोने में किसानों की आवाज आएगी तो मैं जरूर पाऊंगी, और मैं जाकर के लोगों को एकत्रित भी करूंगी और जोड़ूंगी भी, और उन लोगों की हालत खराब करूंगी जो मेरी खराब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि मैं बड़े संघर्ष करके आ रही हूँ, उन्हें पता नहीं है कि जमीन से जुड़ करके आ रही हूँ, उन्हें पता नहीं है परिवार को जोड़ करके आ रही हूँ, एक परिवार को जोड़ करके आ रही हूँ। हमारे सामने हमारी सुमन हुड्डा जी और ममता जी भी हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो लोगों को इतना जोड़ने में लगी हुई है, और हमारी बहन भी बीच में बैठी हुई है, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। बाकी टूटेंगे नहीं, ये वादा है, कुछ हो जाए एक रहेंगे। आप भी सभी इस प्रण को लेकर के रहना, मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, सहन करने वाले लोग हैं, कि वो किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को खराब नहीं होने देंगे। बस हमें एक चीज को बरकरार रखना है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और एक रहना है। एक बात को आप बरकरार रखना, देखना दुनिया की कोई ताकत अगर आपको हिला दे, किसान